तीन साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया। मथुरा की थाना रिफाइनरी पुलिस ने 10 दिन पूर्व एक व्यक्ति से हुई लूटपाट का खुलासा करते हुए तीन साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश मथुरा के निवासी हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा हुआ सामान 5265 रुपए भी बरामद किए। मथुरा की थाना रिफाइनरी इलाके के भडरसू गाँव के पास लिंक रोड पर मोटरसाइकिल सवार सुरेश चंद्र नामक व्यक्ति को बदमाशों ने हथियारों के बल पर उनसे अंगूठी चैन व 25,000 रुपए की नकदी लूटी थी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से छानबीन करते हुए तीन बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से लूटी गई दो चैन, दो अंगूठी 5265 रुपए बरामद हुए। एसपी सिटी का कहना है, 10 दिन पूर्व हुई लूट का पर्दाफाश करते हुए तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया, उनके कब्जे से लूटा हुआ सामान भी बरामद किया। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। जी सर, पुलिस को क्या सफलता मिली? दिनांक 26 अक्टूबर को थाना रिफाइनरी क्षेत्र अंतर्गत भड़रसू गांव के पास लिंक रोड पर एक ज्वेलर्स को रोककर उससे दो अंगूठी, एक चेन, 25,000 रुपए तथा अन्य सामान उससे लूट लिए गए थे। इस घटना की क्राइम ब्रांच के द्वारा दो टीमों को बनाकर अत्यंत गहराई से छानबीन की गई और घटना में इसमें कुल 5 लोग सम्मिलित पाए गए, जिसमें 2 लोग घटना की रेकी करने का काम किए थे, जो पीड़ित के गांव के पास के रहने वाले थे, और 3 अन्य लोग थे जो राया थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। उनके द्वारा इस लूट की घटना को पारित किया गया था। लूटा गया समस्त माल बरामद हो गया है और पुलिस के द्वारा इनको जेल भेजा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इसमें तीनों जो लुटेरे हैं वो प्रथम बार लूट की घटना में प्रकाश में आ रहे हैं। इनमें से एक केले का ठेला लगाता है, दूसरा आईटीआई पास है और तीसरा कंटेनर पे कंडक्टर का काम करता है। लूट की घटना को अंजाम देने के पीछे कारण ये बताया गया कि इसमें मेन मुखबिरी करने वाला धनिया नाम का जो व्यक्ति है वो पूर्व में पशु चोरी की घटनाओं में जेल जा चुका है, गोवर्धन से और हाईवे थाने से। उसके द्वारा इनसे चर्चा की गई, उसके साथ ये लोग कभी कभी गांजा इत्यादि पीने के लिए जाया करते हैं, जिसके कारण उसने इनसे चर्चा की और इनको तैयार किया और इनके माध्यम से ये घटना कारित कराई। इनका आपराधिक इतिहास भी है? जैसा कि मैंने बताया, इसमें जो 3 गिरफ्तार हुए हैं जिनके द्वारा लूट की गई थी, उनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। फरुखाबाद में दिव्यांगों को ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। सूए की योगी सरकार द्वारा दिव्यांग जन सशक्तिकरण को